हेलो फ्रेंड, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कुछ लॉकडाउन के बारे में बताया था और क्या मतलब कैसे स्टडी की जाए इस लॉकडाउन में, उसके विषय में बताया था और बुक के बारे में भी मैंने बताया था कल। फिर लोगों का मैसेज आया कि उसके मतलब एक अलग से स्पेशल बुक का वीडियो बनाइए जिसमें आप सिर्फ बुक के बारे में ही बताइए और आप कौन से बुक से स्टडी किए उसके बारे में बताइए। तो मैं उस बुक को भी लाया हूँ और वो बुक में हम आपको दिखाएंगे भी कौन कौन से बुक मैं स्टडी करता हूँ उस बुक से, कौन कौन से बुक से। खासकर रेलवे के लिए वो बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेशली रेलवे, NTPC और ग्रुप डी, इन दोनों के लिए मैं आज जो भी बुक बताऊंगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये। अगर आप इससे स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत बिल्डअप होगा आगे। तो मैथ्स का मैंने बुक बताया था RS अग्रवाल प्लस राकेश यादव का, राकेश यादव का 7300 मैंने बताया था। ये इससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका बेसिक है हर सर्वर से क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो राकेश यादव सर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें आपको हम दिखाएंगे एक एक पेज करके कि इसका मतलब खासियत क्या है राकेश यादव सर के बुक का, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है मतलब एक शॉर्ट ट्रिक जो होता है शॉर्ट ट्रिक से राकेश यादव 7300 में, इसलिए मैं प्रेफर ज़्यादा करूँ राकेश यादव सर का। एक एग्जाम पैटर्न बेस्ड जो होता है, एग्जाम कैसे सॉल्यूशन किया जाता है उस टाइप से बताया गया है राकेश यादव सर के बुक में। तो आप और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इस किताब से। वीडियो सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चंस का QR कोड होता है उसका, उससे मिल जाएगा। अगर हम देखें बुक हम दिखा रहे हैं, ये है आपका जो है आरिश अग्रवाल का मतलब ये तो थोड़ा सा ओल्ड है, पैटर्न है, बट हम यहीं से मतलब अपना स्टडी करते हैं। और इसमें देखिए हमने क्या किया है कि एक एक चैप्टर का जो है इसमें मैंने इसी में पेज फाड़ फाड़ कर और इसी में सॉल्यूशन इसका कर दिया है। हर एक चैप्टर का जो चैप्टर देखना होता है हम उसको खोलकर इसका पेज में देखिए सब सॉल्यूशन करके अपने जो मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन, क्योंकि इस बुक में तो थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न से दिया हुआ है इसलिए हमने रेशियो मेथड्स वगैरह इस सब का प्रयोग करके सॉल्यूशन सारे चैप्टर्स का, जितने भी चैप्टर्स हैं सबका सॉल्यूशन इसमें करके रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है बेसिक्स कवर करने के लिए। तो मैथ्स के लिए बेस्ट बुक है ये RS अग्रवाल। और हम एक और बुक बताएं राकेश यादव 7300, तो ये देखिए ये है आपका राकेश यादव का 7300 का है। इसमें 1999 से 2017 तक का ये बुक है। और इसमें देखिए हम क्यों इतना आपको मतलब ये बुक प्रीफर कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस के लिए आपको कमी नहीं होगी। और ये आपको जो दिख रहा है ये आप जैसे ही मोबाइल में स्कैनिंग करेंगे इस QR कोड का, इस पेज का जितना भी क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन के साथ आ जाएगा। इसलिए ये बुक हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो जो वीडियो सॉल्यूशन है अच्छे एडुकेटर का है
जो अच्छे से उसे क्वेश्चन को समझाए हुए हैं, सारे पेज में होगा। इस क्यू आर कोड को अगर आप करिएगा तो इस पे जितना भी क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसमें सारे पेज पर अगर आप देखिएगा तो क्यू आर कोड आपको मिलेगा सारे पेज पे। तो इसका सॉल्यूशन भी आप पेस्ट है, देखिए 100 ट्रिक से इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि एक लॉन्ग मेथड नहीं है, शॉर्ट मेथड से। अगर आप अरिथमेटिक का भी कोई पोर्शन देखें, जैसे कि ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया है। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं उससे इसमें एक एक क्वेश्चन को बनाया हुआ है, इसलिए ये बुक्स बहुत ही बढ़िया है। और इसी से अगर आप प्रैक्टिस करें तो बेटर है, तो इसका सोल्यूशन भी आपको अच्छा से देंगे। तो ये हो गया आपका मैथ्स। इन दोनों के अलावा आई थिंक कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं इसी से प्रैक्टिस की, क्योंकि राकेश यादव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से 70+ क्वेश्चन है, इसमें इतना कर लेते हैं तो आई थिंक रेलवे का क्या SSC भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग का तो मैंने क्या बोला था कि वीडियो से देखने के लिए वीडियो आप वाईफाई स्टडी से भी देख सकते हैं, या फिर एग्जाम को भी है इससे भी देख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी मतलब हो तो उसे आप देख सकते हैं वीडियो। और बुक्स की बात की जाए तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए बुक लेना ही चाहते हैं तो एक ये बुक देखिए SSC रीजनिंग की है, किरण का पब्लिकेशन का। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप ये बुक्स ले लीजिए। इसमें आपको एक ये देखिए जो दिख रहा है आपको ये मिल जाएगा, इसमें मॉक टेस्ट के लिए। तो ये एक फ़ायदा है बुक्स का, इससे आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं इसको कार्ड में। आप मोबाइल में आप करेंगे इस कोडिंग कोड को तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक है इसमें फ़ायदा, तो आप किरण का रीजनिंग ले सकते हैं। अगर बात की जाए GK की, GK के लिए करेंट अफेयर्स के लिए अगर आप बेस्ट है भुवनेश सर का देखें, या फिर iNext करके एक चैनल आता है iNext एक चैनल है उसका भी आप देख सकते हैं। वो सिर्फ करेंट अफेयर्स का ही वीडियो डालते हैं तो आप उनका भी देख सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स आप इतना कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने का। बात की जाए साइंस के लिए हमने बताया था आपको स्पीडी में दो आता है, GK का भी आता है एक साइंस का भी आता है। तो ये देखिए साइंस का है ये स्पीडी, ये है साइंस, अच्छे से इसमें भी दिया हुआ है पूरा प्रीवियस ईयर चैप्टर्स का सोल्यूशन, मतलब पूरा अच्छे से इसका दिया हुआ है। तो आप ये लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए है ये। और ये एक है ये है GK के लिए अगर आपको लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर तो लगाना ही पड़ेगा GK में, रिपीटेशन क्वेश्चंस होते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो आप ये दोनों ले सकते हैं और ये GK के लिए बेस्ट है स्पीड, रेलवे खासकर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पीड। और आपको ओवरऑल पूरा SSC वगैरह सबके लिए चाहिए तो आपको ये तो लेना ही पड़ेगा, ये तो सबके पास होना ही चाहिए, ये जो है लूसेंट का। तो आपको इससे परिचित ही होंगे, लगभग सबके पास ये बुक्स रहती है। तो लूसेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इसलिए हम ये तो लिए हैं।
तो लूसेंट भी आप ले सकते हैं, ये भी बढ़िया बुक्स हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है कि अच्छे बुक्स नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए वन लाइनर तो लगाना ही पड़ेगा, MCQs खासकर MCQs लगाना पड़ेगा। और MCQs के लिए एक तो कम से कम हर दिन 100 क्वेश्चन लगाइए GK का, हर दिन 100 क्वेश्चन तो बहुत बेटर होगा। और 100 क्वेश्चन कहाँ से कीजिएगा, तो उसके लिए आपको ये तो लेना ही पड़ेगा, ये किरण SSC सामान्य अध्ययन। इसमें अब देखिए, इसमें भी दिया हुआ है ये कार्ड मॉक टेस्ट के लिए, आप लगा सकते हैं मॉक ये कार्ड। और देखिए पूरा हमने स्टडी किया हुआ है, इसमें पूरा टिक लगाया हुआ है, तो ये लेना पड़ेगा। हर दिन 100 क्वेश्चन कीजिए, इससे कीजिएगा तो मतलब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आगे आप निकल जाएंगे और उससे, तो इतना करना पड़ेगा। आई थिंक तो रेलवे के लिए अब इससे ज़्यादा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत तो लोग इंग्लिश के लिए भी बोल रहे थे कि हाँ इंग्लिश के लिए कौन सा, क्योंकि इंग्लिश भी आता है रेलवे में, नहीं आता लेकिन और तो एग्जाम में तो आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है अगर आपको खुद से पढ़ना है, हिंदी मीडियम से आप हैं तो इससे बेटर कोई बुक नहीं हो सकती है इंग्लिश की, इससे बेटर लूसेंट की, हम भी इसी से पढ़ते हैं इंग्लिश, तो इससे बेटर कोई बुक नहीं है। आप लूसेंट का इंग्लिश ले लीजिए, बहुत ही अच्छा किताब है, खासकर खुद मैंने एक एक चीज़ पढ़ा हुआ है इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश के लिए ये बेस्ट बुक है, आप ले सकते हैं ये। तो ये तो था बुक्स, तो इतना आपको अगर आप कर लिए तो आपको मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप अच्छे मार्क्स आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कीजिए आप, और लॉकडाउन की ज़्यादा से ज़्यादा यार मेहनत कीजिए यार, क्योंकि मेहनत के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और लॉकडाउन के चलते आप लोग ये सोचिएगा कि एग्ज़ाम कब होगा तो ये तो आप और उसे पीछे हो जाएंगे, इसलिए आप अभी हम करीब अभी 1 बज रहे हैं, अभी 1 बजे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और उसके बाद वीडियो शूट करके स्टडी करेंगे कम से कम 2 घंटा, 3 बजे सोएंगे, तो जब हम कर सकते हैं आप लोग भी कर सकते हैं या इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। अब लॉकडाउन के ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप औरों से आगे निकलिए, क्योंकि आप आगे नहीं करेंगे कि कंपटीशन अप्रैल में देखिए तो 35,000 वैकेंसी और 1.2 करोड़ लोग फॉर्म भरे, तो सोचिए कहाँ एक सीट पर आप हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वही बात की जाए 1 लाख ग्रुप डी में, उसमें भी 1.1 करोड़ के आसपास फॉर्म गिरे हैं, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मेहनत ग्रुप डी का, तो अगर आप बात की जाए ग्रुप डी का, इस बार अगर आप 60 मार्क्स ला दे रहे हैं ना 100 में रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, 60 नंबर ला दे रहे हैं तो आपका श्योर है कि सिलेक्शन तय है, इसमें कोई तो राय नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। 60 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो 60 नंबर लाना मतलब इतना भी अगर आप नहीं कीजिएगा इस बार तो क्या कीजिएगा यार, इस और ये बात ही ध्यान कर लीजिए ये लास्ट वैकेंसी है रेलवे की, लास्ट वैकेंसी, इसके बाद आप भूल जाइए कि कोई वैकेंसी आएगी। एक तो लॉकडाउन जो हो गया है रेलवे तो खुद घाटा में, ये वैकेंसी तो होगी ये तो कंफर्म है, आप ध्यान में रखिए कि ये वैकेंसी को कुछ नहीं होगा। आप देखिए इस साल ही ये एग्ज़ाम होगा, नवंबर से दिसंबर तक देखिएगा आपका एग्ज़ाम NTPC का हो जाएगा, और लगभग फरवरी से मार्च तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी से अगर आप लग गए ना, अभी से भी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो सकता है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है बाहर ना निकलिए, लॉकडाउन का सही से इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, और उससे आगे निकलने की कोशिश कीजिए। हर एक दिन ऐसा पढ़िए कि हाँ मैंने आज ऐसा पढ़ा है कि ये और
वो लोग नहीं पढ़े होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ों से आप एक बड़ा चीज़ कर सकते हैं। तो बस यही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, फिर आपको जैसा कमेंट कीजिएगा मैं वैसा वीडियो बनाऊँगा। बहुत लोग कहें कि नोट्स कैसे बनाएं, तो उस पर भी हम देखेंगे। आप बताइए कमेंट्स में, तो मैं नोट्स पे भी वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।